Hello viewers, I am going to tell you 13 search engine ranking factors through which you can rank your product on online. First is a content quality. Quality content is ultimate ranking factor. अगर आपको अपना rank कराना है तो अपने content को quality content बनाएं. Content uniqueness. Stuff needs to be different or better. There are so many stuff in online. So if you make a unique or different content, then only it will be ranked on the website or on online. Fully crawlable pages. If you want to rank, it very important that search engine can fully crawl and index the content on your page. अगर वो सर्च में होगा तो लोग जब क्राउल करेंगे तो आपका इंडेक्स में पेज आएगा और लोगों को जल्दी मिलेगा. मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट. आजकल मोबाइल का जमाना है तो ऐसी साइट बनाइए जो मोबाइल पर भी दिखे, ऐसा वीडियो बनाइए जो मोबाइल पर भी प्रॉपर दिखे. गूगल हैज क्रिएटेड अ निफ्टी फ्री टूल कॉल्ड द मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट. It tells you whether or not your page is optimized for mobile. तो अगर mobile पर आपका page optimized नहीं है तो कम लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों ज़्यादातर लोगों के पास mobile तो है लेकिन और चीज़ें नहीं हैं. और Google ने इसीलिए एक ऐसा mobile friendly test बनाया जिससे आप अपने page की rank को optimize कर सकते हैं. Number of backlink. A backlink is like a board for another website. अगर आपकी वीडियो से को ज़्यादा लोग वोट करते हैं और रेफर करते हैं दूसरी साइट्स को और वो साइट से फिर आपके पास लोग देखने आते हैं तो वो backlink कहलाती है. Domain authority. A link pointing directly to the page will help that page rank better. अगर किसी का पेज बेटर रैंक कर रहा है और उस पर आप अपना लिंक लगाते हैं, अपने वेबसाइट से पॉइंट करते हैं तो आपका पेज ब्लॉग वीडियो ज़्यादा रैंक करेगा. एंकर टेक्स्ट. गूगल यूजेज एंकर टेक्स्ट टू फिगर आउट व्हाट पेज इज अबाउट. अब आपने अगर उसमें एंकर हाइपरलिंक्स लगा रखे हैं तो वो ज़्यादा आपके पेजों को रेफर करेगा, ज़्यादा पेज आपके खुल पाएंगे और ज़्यादा पेजों पे आपका काम हो पाएगा, तो जिससे आपके सर्च ज़्यादा होगी और लोग ज़्यादा देखेंगे. साइट लोडिंग स्पीड. अगर आपकी लोड करने की स्पीड अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम होगी और आपका रैंकिंग कम होगी. अगर लोडिंग स्पीड अच्छी है तो आपका सर्च ज़्यादा होगा, लोग देखेंगे ज़्यादा. कीवर्ड यूसेज. If you want to rank for a keyword, you need to use the keyword on your page. अब किस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्टेंट है उसी से रिलेटेड वो कीवर्ड लगाइए जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, तब आपका पेज रैंक करेगा. अदरवाइज जो चीज़ वो पूछ ही नहीं रहे हैं तो वो आपके पेज पे क्यों आएंगे. गूगल रैंक ब्रेन. रैंक ब्रेन इज द AI पार्ट ऑफ गूगल एल्गोरिथम. अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं तो गूगल ने एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट का रैंक ब्रेन बनाया है जो आपके कंटेंट को टाइम टू टाइम डिफरेंट ढंग से सर्च करके लोगों को दिखाने में समर्थ है और उसे दिखाता है. सर्च इंटेंट मैच. डज योर कंटेंट मैच व्हाट अ सर्चर want at that particular moment. अगर उस particular moment पे जो content ढूंढा जा रहा वो आपके content में है तभी तो वो ढूंढेगा. तो match करके search engine पे keyword लगाकर आप अपने इनको अपने product को rank करा सकते हैं. Content freshness. Updating your content once per year to keep it fresh in eye of Google rank quickly. जो भी आप content बनाते हैं उसको update करते रहिए तब Google आपके product को rank कराता है, क्योंकि वो
उसके पास तो बहुत सा सामान है, वो आपके पुराने चीजों को क्यों यूज करेगा, वो नई चीजों को दिखाता है। EAT, the amount of expertise, authoritativeness and trustworthiness is a very important authority. आप ही ने उस प्रोडक्ट को बनाया है और प्रमोट कंटेंट रिटन बाय लेजिट एक्सपर्ट ऑन दैट टॉपिक। अब अच्छे एक्सपर्ट अगर उसको लिखते हैं और अथॉरिटेटिव हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ये नहीं कि आप 10 जगह से कंटेंट काट पीट के बना करके रख दिए और दे दिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट जो आदमी देगा तो वो उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये सारे चीज़ें अगर ध्यान में आप रख करके अपने वीडियो को बनाइएगा तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। मतलब यह है कि कंटेंट अच्छा हो, उसमें कीवर्ड अच्छा हो, उसमें बैकलिंक हो, उसमें हाइपरलिंक्स हो, उसमें रेफर करने डिफरेंट पेजेस का लिंक हो और उसका मैच करता हो कीवर्ड करंट क्यूरी के हिसाब से, जो लोग पूछ रहे हैं उसी के हिसाब से कंटेंट हो, और गूगल का AI रैंक ब्रेन जो होता है वो नए प्रोडक्ट को सर्च करके और उसके अकॉर्डिंग उसके रैंकिंग करता है। इंडेक्स पेज पे तभी आप आइएगा जब आपके वो क्वेश्चन पे कंटेंट बनाइए जो पूछा जा रहा है, और फ्रेश अपडेट करते रहिए अपने प्रोडक्ट को, अगर अपडेट नहीं करते हैं तो वो नहीं पूछा जाएगा। और अथॉरिटेटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सही ढंग से बना है, तो सभी लोग उसको देखना पसंद करेंगे और उसका रैंक भी गूगल ज़्यादा कर देता है। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।